फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ दही बड़े। तो दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कटोरी दाल को पानी में सोख करके रख दिया था, और इसके बाद मैंने मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है। एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका, और इसके बाद इसको देर तक फेटेंगे जिससे एकदम लाइट वेट हो जाता है इसका। तो ये बहुत हल्के होने के बाद ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो उसके लिए चाहिए होगी हींग, हरा मिर्च और अदरक। तो इन सब चीज़ों को छोटा छोटा कट कर लेंगे, और उसके बाद दाल में इसको हम लोग मिला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने मिलाने के बाद एक बार और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, और उसके बाद मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक मिला देंगे इसमें। तो नमक मिला दिया है, और इसके बाद इसको फिर ऐसे ही फेंटते रहेंगे। अब एक बॉल में हम लोग दही लेंगे, और दही लेने के बाद उसमें भी आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च मिला लेंगे। तो ये हमारा दही तैयार हो गया है। तो आगे अब इसके लिए एक बोल में पानी लेंगे, और पानी में 1 चम्मच नमक मिला के इसमें नमक मिला के रख लेंगे। तो अब हम लोग एक कढ़ाई में तेल को गर्म करके उसमें दाल के इस तरह से पकौड़े बना के कर लेंगे तैयार, और फिर उसको निकाल के मैंने नमक वाले पानी में सब डाल दिए हैं, और थोड़ी देर इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो ये एकदम और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसको दही में ट्रांसफ़र कर देंगे निकाल के। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। अब हम लोग इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और खड़ी लाल मिर्च ली थी, तो उसको भून के मैंने पीस लिया है, और पीसने के बाद ऊपर से ये डाल देंगे, और हरे धनिया से इसको सजा लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।